नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टॉक इंडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करते हैं। तो आज हम फर्स्ट, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके माइंड में पहला यही क्वेश्चन आएगा कि हम शुरू कैसे करें। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का सेटअप कैसे करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का सेटअप कैसे करें, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का सेटअप करने आपको ये 6 स्टेप है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक का अकाउंट, आईसी यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, जीएसटी नंबर, प्रोडक्ट सिलेक्शन, आरसीएमसी, एडी कोड रजिस्ट्रेशन। तो अब हम उसको डिप में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का ये 6 स्टेप है, उसको हम डिप में समझते हैं। फर्स्ट है कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नए हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो आप अभी फिलहाल पे इनिशियल स्टेज पे आप प्रोप्राइटरशिप से अपना बिजनेस शुरू कीजिए। आपका बिजनेस ग्रो होता है, बड़ा होता है, टर्नओवर बढ़िया बढ़ने लगता है आप, तो तब आप एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड में आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्रोप्राइटरशिप पे कीजिए, क्यों? क्योंकि उसका कॉस्टिंग कम होता है, उसका जो भी कंपनी सेटअप की प्रोसेस वो फास्ट ट्रैक होती है और टाइम कंज्यूम्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस है उसमें आपको झंझट से आप मुक्ति मिल जाती है। दूसरा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप उस बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन कीजिए जिस बैंक की फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां पे जाइए कि उसको पूछिए कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो कैसा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करोगे बैंक टू बैंक उसका चार्जेस कैसा है, वो आप बेसिक उसको क्वेश्चन कीजिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इस बैंक का चार्जेस इतना है, इस बैंक का चार्जेस इतना है। जहाँ पे आपको अच्छा लगे उस बैंक में आप अपने अकाउंट ओपन कीजिए। मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी प्राइवेट है, प्राइवेट बैंक है, लाइक कोटक है, आईसीआईसीआई, एक्सिस है, एचडीएफसी, उस बैंक में आप ओपन कीजिए। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँ ना ही मैं यहाँ पे किसी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसको प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ आपको सजेशन है। अब जिस भी बैंक में आप ओपन अकाउंट ओपन करना चाहते हो आप ओपन है। आईसी और जीएसटी, आईसी कोड आप डीजीपी के वेबसाइट में जाके आप वहां से ले सकते हो और जीएसटी नंबर आपका सीए होगा वो आपको जीएसटी नंबर बना के देगा। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन में आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिस प्रोडक्ट की नॉलेज आपको थोड़ी बहुत है, लाइक उसका पैकिंग कैसा होता है, उसका यूनिट कैसा है कि वो किलो में जाता है या लीटर में जाता है, उसका जो भी मार्केट से यहाँ पे लोकल आप कहाँ से कंज्यूम करोगे उसका वो आपको पता होना चाहिए। वैसे ये भी छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट का आप सिलेक्ट कीजिए। आप ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे कि उसका आपको मार्केट ही पता नहीं यहाँ पे कि इंडिया में कहाँ पे मिल रहा है, तो आपको अगर ऑर्डर भी आ गया आपका तो आपको ये कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढूँ। ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट मत कीजिए, आप पहले से पहले प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कीजिए। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है और ये समझने की बहुत बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए जिसका आपको नॉलेज हो। इसके ऊपर प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, उसके लिए मुझे 3 से 4 वीडियो प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर बनना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन करते समय आपको क्या क्या ध्यान में लेना पड़ेगा। उसके बाद है जिस प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की होगी उस प्रोडक्ट के डिपेंडिंग आपको एक आरसीएमसी लेनी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इसका दूसरा नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी कि आप जिस भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो उस प्रोडक्ट के
वो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक्सपोर्टर प्रमोशन काउंसिल आपको वहां से जो भी बायर और सेलर की भेंट से होती है, और जो भी ऑनलाइन, अभी तो सारे के सारे ऑनलाइन हो गया है, वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जहाँ पे भी आउट ऑफ कंट्री या फिर इंडिया में जो भी एग्जीबिशन होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, इसलिए आपको जो भी आपको यहाँ पे मार्केट प्रोवाइड करवाते हैं जो भी आरसीएम से। उसके बाद है लास्ट स्टेप है कोर्ट रजिस्ट्रेशन, 1 टाइम 1 कोर्ट, यानी कि जिस कोर्ट और आईसीडी में आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस प्रोडक्ट को, सॉरी उस कोर्ट पे आपको 1 टाइम यानी कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसका आपको लाइफ टाइम आप वहां से एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट कर सकते हो। उसमें आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एडी कोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फाइटो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आपका जो भी सीएच होगा यानी कि कस्टम हाउस एजेंट वो करके देगा आपको। ये यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेटअप की जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे खत्म होती है, पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की जो भी वीडियोस है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको लर्न करना है, सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप उनको इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे आप उनको पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।